हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इंडियन नेवी की तैयारी देखकर लाल टोपी सदमे में। चलो देखते हैं लाल टोपी को सदमे में। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। जल्दी शुरू करते हैं। भारत 9 दिन की नेवल एक्सरसाइज मिलान कर रहा है। वाह भाई वाह। दोस्तों एक्सरसाइज मिलन हो रही है, प्रदर्शन मनाया जाए और नहीं तो क्या। वेलकम मूवी का है मेरे ख्याल से। 50 मुल्कों की नेवीज इसमें शामिल है, जिनमें बहुत बड़े बड़े ममालिक के नाम शामिल है। और सुने, चार बोला है, 50 से ज्यादा बोला, चार भारत, चार बोला था, और थाईलैंड, श्रीलंका, 50 कंट्रीज, तीन चार देश मिलकर इन्होंने करी एक्सरसाइज मिली, जो आज की तारीख में उसमें 50 देश शामिल है। क्या बात है। पाकिस्तान के मसलों से बाहर निकले और ऊपर वाले मसलों से लड़े, ठीक है, ताकि हमें भी एक दिन ये कहना पड़े कि हम उस कंट्री को बीट करने का सोच रहे हैं। हलवा खाएं और सो जाएं। ये इंडियन नेवी की सबसे लार्जेस्ट मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कहलाई जा रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन। और दुनिया की सबसे बड़ी एक्सरसाइजेस में, नेवल एक्सरसाइज में इसका नाम लिया जाता है। तो सलाम है लोगों पर, सलाम है। देख लीजिएगा, कभी भी चाइना इंडिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। फटके फ्लोर हो गई है पिछले 1.5 साल से, और अभी तक हर हफ्ते वो इतनी खौफनाक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। कभी कोर लेवल पर, कभी डिव लेवल पर, कभी ब्रिगेड लेवल के ऊपर, कभी डीप इंसर्शन एक्सरसाइज है कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह, कभी रिवर क्रॉसिंग एक्सरसाइज हो रही है। दुनिया कहीं से कहीं जा रही है। पाकिस्तान के ये चोर जितने इकट्ठे हुए हैं, ये उसको बीट करेंगे। कभी नहीं हो सकता, सोचने छोड़ दे, तो मोहताज है। इन्होंने तो मांगने का एक सिलसिला बना दिया, हाथ ऐसे करवा दिए पूरी कौम के। अच्छे दिन आने वाले हैं, बस ऐसे करते जाओ, ऐसे करते जाओ। दे दे जी, अल्लाह के नाम का दे दे, बस अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा, दे दे रे बाबा, दे दे रे बाबा। इसके अलावा कुछ नहीं है कर सकते। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अरे चाचा, तुम्हारा मुल्क की भीख मांग के बना था, तो तुम्हारी आवाम तो भीख मांगेगी ही। भारत हमसे बहुत ज्यादा आ गया, बहुत ज्यादा। उनकी करेंसी इवन हमसे बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान के जब अपने अंदर के हालात नहीं ठीक हो रहे, जब उनके वो पॉलिटिक्स से बाहर निकलेंगे तो वो कोई अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करेंगे। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। द इंडियन नेवीज बिगेस्ट मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज 2024 शुरू हो चुका है भाई साहब, और इसमें लगभग 50 देशों की नौसेनाएं भाग ले रही है, जिससे पाकिस्तानियों की पता नहीं क्यों जल रही है यार। तो चलो मजे लेते हैं। चाइना क्या डेवलपमेंट है वहाँ पर, जो कोई कंट्री उसका मुकाबला ही नहीं कर पाती, जबकि भारत का तो सीधा टारगेट ही चाइना है। उनके मतलब हर लिहाज से देखा जाए तो वो काफी आगे जा रहे हैं। इवन तो देखा जाए यूएसए से भी उन्होंने लिहाजों से, मतलब वो कहते थे कि चाइना काफी तरक्की एक पजीर ममालिक लिहाज से शायद की उन्होंने चाइना की दिवाली हुई थी ना उनकी कंट्री में, उनके चाइना से बड़ी अनबन थी, उन्होंने उनकी सारी इंपोर्ट जितनी भी वहां से होती थी उसको बैन करके अपनी कंट्री में इंडस्ट्रीज लगाई, और बहुत मुनाफा उनको, चाइना को बहुत बड़ा ठप्पा लगा था तब। आप बताएं, हमें इतनी पावर है, हमें इतनी पावर नहीं है, लेकिन बस मैं ये कहूंगी कि वो अगर अभी जिस तरह आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि 50 कंट्रीज उनके साथ उनसे ट्रेनिंग ले रही है कि हम लोगों ने किसी तरीके से चाइना को बीट करना है, मैं बस यही करूंगी कि मतलब चाइना वालों ने बात ये हिंदू और मुसलमान की नहीं होती, बात होती है तरक्की की, उन्होंने की है। मैंने मतलब लास्ट इंटरव्यू में बोला कि बिल्कुल अच्छी बात उन्होंने की है, क्योंकि उनका जो हमारा नजरिया था वो अलग था, उनका नजरिया अलग था, उन्होंने अपने नजरिए की बेस को जो लेके चले वो अभी तक आगे निकले हुए हैं। हम लोगों के नजरिया बदल चुके हैं, हम लोग बाहर आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान से जिंदा भाग हम लोग आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, ठीक है। तो बस यही सीन है, बाकी यूनिटी में ही एक सक्सेस होती है, तो मुझे लगता है मेन रीजन यही है अभी तक, लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त आएगा पाकिस्तान भी आगे हमें नजर आएगा इंशाल्लाह। अपनी हर जरूरियात में उसको आप मेन पॉइंट कर रहे कि नहीं जी हमारे पास अगर कुछ नहीं है चाइना है उससे हेल्प ले लेंगे। भाई खुद को किसी काबिल बनाए, पाकिस्तान के मसलों से बाहर निकले और ऊपर वाले मसलों से लड़े, ठीक है, ताकि हमें भी एक दिन ये कहना पड़े कि हम उस कंट्री को बीट करने का सोच रहे हैं। पाकिस्तान के ये चोर जितने इकट्ठे हुए हैं, ये उसको बीट करेंगे। कभी नहीं हो सकता, सोचने छोड़ दे, तो मोहताज है। इन्होंने तो मांगने का एक सिलसिला बना दिया, हाथ ऐसे करवा दिए पूरी कौम के, बस ऐसे करते जाओ, ऐसे करते जाओ। दे दे अल्लाह के नाम का दे दे, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। कैसे बीट करेंगे, कहाँ चाइना 500 डैम, 1500 बिजली फ्री, टैक्स फ्री, हर चीज फ्री, तो कैसे करेंगे। यहाँ तो डैम फ्री है, वो भी नहीं पानी के साथ भर रहे,
आए दिन लोड शेडिंग आए दिन, अब सर्दियां गई, सर्दियों में कभी लोड शेडिंग देखी थी मैंने? नहीं देखी ना, अब तो बहुत होती है। ठीक है ना, क्यों क्यों हो रही है? नीते नहीं ठीक इन हुक्मरानों की, इनका जो ये जो अभी कर रहे हैं ये शोर शराबा, ये रोज मीटिंगें हो रही हैं रोज। ही जरदारी साहब मेरे यहाँ क्या कह रहा था बिलावल, तो यूनिट फ्री दूंगा। नहीं वो तो अलीम खान ने कहा है ना 300 यूनिट ने भी कहा है। हाँ, तो कहाँ से देंगे? इनके घर में बिजली पैदा हो रही है, ये देंगे? कभी नहीं ऐसा, कभी नहीं कर सकते ये चाइना को, कभी नहीं कर सकते। मीडिया जो है तमाम ममालिक जो बाहर के कंट्रीज है वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने चाइना को अपना हक़ माना हुआ है, हर बात मानता है। पाकिस्तान ने चाइना माना तो इसलिए माना हुआ है ना, ये इनके पास है ही कुछ नहीं, मेरे पल्ले ही कुछ नहीं है। तो मैं तो कहूंगा निमरा इज अ ग्रेट, निमरा इज अ सार, मैं तो गीत गाऊंगा चुटकी सी मिसाल का, पंजाबी दी मिसाल, जिदा खाइए ओदा गाइए। अब ये वहां से ले रहे हर चीज वो इनको दे रहे, तो ये तो कहेंगे हमारा हक है, हमारा मौला, ये सब कुछ मानना इंडिया को बोलते हैं ना। मान भी रहे आजकल जिस तरह लोग पीरों को रब से भी ऊपर ले गए हुए हैं, जी फला पीर है वो जी वो अल्लाह से भी ऊपर ले गए। मस्जिदों को उन्होंने शहीद किया है वहाँ पर, 700 से ज्यादा मस्जिदों को शहीद किया। आपने अपने मीडिया पर खबर सुनी इसके बारे में? नहीं सुनी हो? मैंने नहीं सुनी, मैं मगल बनी नहीं करूंगा। थोड़ी सी किसी लड़के ने मुझे बताया था जी ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। भारत जो उनको काउंटर करने के लिए नेवल एक्सरसाइज कर रहा है उनके बारे में क्या कहते हैं वो? सकता भारत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अभी नहीं है ही नहीं, उनके पास इतनी पावर ही नहीं है। अभी ये एक डेढ़ साल पिछले दिनों आपने देखा वो एक पहाड़ी पे कब्जा, एक जगह पे कब्जा किया था चाइना वालों ने, मार मार के इनको निकाल दिया वहाँ से। वो आपने गलत सुना है, मैं वो ताइवान की मीडिया पर भी वो अच्छा, खबर चली थी अच्छा। वो आज से कुछ देर पहले की बात है, वो इंडियन सिख सोल्जर्स ने चाइनीज सोल्जर्स की ठुकाई की थी। यू आर राइट ब्रो, क्या कभी हम लोग चाइना के खिलाफ खड़े हो सकते हैं? आपको ऐसा लगता है? देखिए मैं ये कहती हूँ, अभी जो माइक भी पकड़ा हुआ ये भी चाइना का है, इसकी जगह मेड इन पाकिस्तान को होना चाहिए था। था है नहीं था, आपकी जेब में पेन भी है, मुझे लगता है ये भी मेड इन चाइना है। ये मैं 5 का लेता था, आज मैं 60 का ले रहा हूँ। मेड इन चाइना ही है? नहीं है, पाकिस्तान तो नहीं बना रहा। अब इन चीजों को हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे, कि इनको सही करना है? या ये भी मैंने एंटी पाकिस्तान बात किया, बता सुनो, सुई भी नहीं बना सकते अभी तक, अपनी सुई नहीं बनाई इन्होंने। पेन की निब जो है ये ईगल पेन, ये मैंने चाइना में गया, मैंने काशगार से 50 रुपए की किलो खरीदी, यहाँ कितने की दे रहे हैं? 10 रुपए की, 15 रुपए की दे बेच रहा है दुकानदार। उर्दू बाजार में चले जाए 5 रुपए से नहीं, 10 रुपए की दे रहे हैं। अब ये अब इकोनॉमी आपकी कहाँ जा रही है? आप बिजली के रेट बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ा रहे हैं, आपका वजीर आजम हमारे साहब जनाब वजीर आजम साहब काकड़ साहब कह रहे जी महंगाई है ही नहीं मुल्क के अंदर, है ही नहीं। इलेक्शन बड़ा फ्री एंड फेयर हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सारी जमाते पीट रही है। मौलाना फजल रहमान जैसा बंदा वो कह रहे जी धांधली हो गई, धांधली हो गई, धांधला हो गया। कहाँ खड़े हैं आप? वहाँ क्या कहा जमहूरियत है? किस जमहूरियत की बात कर रहे हैं? कमाल है इस बंदे ने, बीच बीच में जो हम बोलते हैं उसकी जुबान पे वो निकल गया कि जब चाइना की बात हो रही थी कि भाई तुम तो उसको अपना हक्का मानते हो जो वो कहता है करते हैं, तो उसने यही बोला कि भैया कि भैया मैं भी तो तुमको बोलूंगा कि तुम मेरी वो हो और तुम्हारे हाँ में हाँ डालूंगा, क्योंकि इन लोगों को पैसे मिलते हैं, इनको बोला जाता है कि तुम ऐसे बताओ, किसी को बोल दिया तुम प्रो बोलो, किसी को बोल दिया तुम एंटी बोलो, ताकि इनका चले। और यही काम जो है वो रिएक्शन चैनल्स भी करते हैं, क्योंकि रोटी वहीं से, वो कह रहे हैं ना जो मुझे रोटी दे रहा है या जिसके साथ मेरे को है तो मैं उसी का गुणगान कहूंगा, जी हजूरी करूंगा। तो वो दूसरे जो रिएक्शन चैनल वाले भी बड़े अच्छे बन के इंडिया इंडिया हमें प्यार हो गया इंडिया से, और वो ये शो करते हैं, इतनी हैरानी होती है, वो शो करते हैं जैसे पाकिस्तान इनका नहीं है। वो बोलते हैं पाकिस्तान में तो ये हो रहा है, पाकिस्तान का तो मतलब पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हैं, तो पाकिस्तान बोल के क्रिटिसाइज करते हैं जैसे जैसे ये पाकिस्तानी नहीं है और पाकिस्तान इनका नहीं है, ये इंडियंस हैं और इंडिया में बैठे हुए हैं। उनकी बातें सुन के इतनी हैरानी होती है। अब ये बंदे को देखो, पर जहर था इनको भी था, एंटी इंडिया थे कि इंडिया कुछ नहीं कर सकता, इंडिया चाइना को बीट नहीं कर पाएगा। इंडिया चाइना, इंडिया तो कुछ भी नहीं है, चाइना बहुत चाइना बड़ा है, क्योंकि ये लोग पूरे डिपेंडेंट है चाइना पे, और इनको लगता है चाइना बहुत ही महान हस्ती है। और जब पूछा कि तुम्हारे वो जो मस्जिदें चाइना ने जो की हैं वो इन्हें पता ही नहीं, वैसे उनको जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब रह रहे हैं, सबको फ्रीडम है रिलीजन की भारत में, वहां पे भैया मुस्लिमों पे जुल्म हो रहा है, जहाँ एक्चुअल हो रहा है वहीं नहीं दिख रहा। जैसे जैसे टाइम बीतेगा इनको नजर आएगा कि इंडिया जो है बहुत तेजी से चाइना को बीट करने के लिए आगे बढ़ रहा है, 3 नंबर होने वाला, जो बोलने वाले सब चेंज होता जाएगा। पहले थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाते हैं, 5 ट्रिलियन हो जाए, जब तक हो सकता है तब तक चाइना 20 पहुंच जाए, मगर उसके बाद जो स्पीड पकड़ेगा बहुत तेज स्पीड पकड़ी जाएगी, तब जो है यहाँ पे हाथ पैर कांपेंगे इन लोगों के। बट जो भी है उनको समझ आ रहा है कि उनकी कंट्री डूब रही है,
उनके इलेक्शन तो से पता चलता है कि इलेक्शन ये सबको समझ आ चुका है कि उनका देश, पहले तो मानते नहीं थे ना, पहले तो हम बड़े बहाने हैं, सब के सब चाहते हैं वहां से बाहर निकलने, सब सारों को बाहर जाना है जी, खुद ही बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से जिंदा भाग, खुद बोल रहे हैं, सोच सकते हो। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।